सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए अभी शाम का समय हो गया, मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ और ये जो है मैं मतलब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सकट का व्रत है मेरा, निर्जल व्रत ये व्रत रहा जाता है। और मतलब यूपी में, मतलब मैं तो बॉम्बे में हूँ लेकिन बिल्कुल यूपी स्टाइल में ही हमारा ये व्रत होता है, क्योंकि मम्मी ने जैसे जैसे सासू माँ ने बताया है वैसे वैसे ही ये व्रत किया जाता है। और हमारे यहाँ देखिए मैं बताती हूँ क्या क्या चढ़ता है। बैंगन, गाजर, मूली, गंजी, हमारे यूपी में शकरकंदी को गंजी भी बोलते हैं, स्वीट पटेटो, तो गंजी और अमरूद। और इसमें जो चढ़ता है गन्ना भी चढ़ता है, गन्ना मुझे नहीं मिल पाया था तो मैं गाजर का हलवा बना रही थी। मैंने सारे धुल के जो सामान चढ़ते हैं वो रख दिए थे, उसके बाद गाजर मैं बना रही थी क्योंकि शाम को मीठा खा के ही व्रत खोलते हैं। तो मैं मतलब वैसे तो हमारे यहाँ सिंघाड़े के आटे का हलवा बनता है गाजर का, लेकिन यहाँ पे मुंबई में है तो मतलब शुद्ध नहीं मिल पाता है और दिन भर का निर्जल व्रत रहता है, तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि गाजर का हलवा या तो लौकी का हलवा ही अपने लिए बनाती हूँ। तो ये मैंने पूरी गाजर घिस ली थी और मैं आ गई थी हलवा बनाने के लिए, क्योंकि निर्जल व्रत रहता है तो धीरे धीरे बैटरी डाउन होने लगती है, तो इसलिए मैं सोची शाम को मतलब कर लेती हूँ। तो ऑरेंज को स्कूल भी लेने जाना था तो लेट हो जाएगा, और फिर तैयार हो पूजा की पूरी तैयारी करो। तो देखिए मैंने यहाँ देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में, और इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची डाली थी कूट के, और उसके बाद ये जो है गाजर जो घिसी हुई थी डालते थे, तो गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये गाजर का हलवा मतलब मैंने चढ़ा दिया था तो इसका पूरा जब पानी जल जाता है, मतलब गाजर पक जाती है, उसके बाद ही इसमें हम दूध डालते हैं। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, उसके बाद फिर इसमें दूध डालूंगी। तो देखिए गाजर का पूरा पानी सूख गया था और इसमें मैंने भर भर के डाल दिया है दूध। तो दूध से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खोआ डालिए या मतलब बिना दूध या खोए के तो गाजर का हलवा अधूरा ही लगता है। और ड्राई फ्रूट ये सब डाल के ही इसका पूरा टेस्ट आता है। तो यहाँ सबसे लास्ट में मैंने शक्कर डाली है क्योंकि पूरा दूध जब सूख गया था उसके बाद शक्कर डाली तो बहुत ही अच्छा हलवा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इससे। तो मेरा देखिए हलवा बिल्कुल अभी भून चुका है, अभी पूरा चीनी डालने के बाद थोड़ा पानी हो जाता है इसमें, और ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है और अब हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। और इधर मैंने भिंडी कट करके रख ली थी क्योंकि शाम का खाना भी मुझे बनाना था, मैं सोची सब्जी बना देती हूँ तो सिर्फ रोटियाँ ही बनानी रहेगी पूजा करने के बाद। और इधर मैं अब आपसे मिल रही हूँ रात के ये अप्रॉक्स 8:30 हो रहा था, क्योंकि हमारा जो चंद्र देव निकलने का समय था वो था 9:11 का ही बता रहे थे गूगल पे। तो मैंने यहाँ पे जो है देखिए नहा के आई मैं, मतलब नहा के मैंने सब मेरे यहाँ नए कपड़े पहने जाते हैं सकट की चौथ में। और यहाँ मैंने चांदी के गणेश लक्ष्मी रखे हुए हैं, छोटे से हैं, और तो मतलब वैसे भी मंदिर में हमें 4 इंच के ही जो भी धातु की मूर्ति रखनी चाहिए तो 4 इंच की ही मूर्ति रखनी चाहिए। और ये पाटे पे लाल पीला जो भी कपड़ा है बिछा लीजिए। और गांव में तो क्या करती है मम्मी लोग जैसे छत पे या आंगन में, तो वो चकला रख के उसके ऊपर सारा सामान रख के सब पूजा करती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे छत पे या गांव मतलब आंगन तो नहीं है तो मुझे ये रूम में ही करना पड़ता है पूजा पूरी। तो मैं यहाँ पे पूरी पूजा करके फिर नीचे जाती हूँ और चंदेव को अर्घ डाल के आती हूँ। तो इधर देखिए जो आपको ये गोबर की गौरी मैया है और ये सुपारी जो है उसको गणेश जी बोलते हैं, तो इनको पान पे मैंने रखा। और मैं ये बता दूं ये मतलब मेरे बहुत पुराने हैं, जब से मैंने पहला व्रत उठाया था। ये जो दियाली आप देख रहे हैं ये भी मतलब दियाली, गौरी और ये गणेश, इनको मैं ऐसे ही मतलब पूजा करती हूँ फिर उसके बाद फिर से कपड़े में बांध के रख देती हूँ, तो पूरे 1 साल के बाद फिर इनको निकालती हूँ। तो ये मतलब हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही होता है कि एक बार बना के रख लेते हैं जब पूजा उठाते हैं, उसके बाद हर साल यही करते हैं। और इसमें 4 बाती जलाते हैं, तो जब अर्घ देंगे गणेश भगवान को तो इसमें ही इसको मतलब दिया को जला के हाथ में रख लेते हैं और उसके बाद अर्घ देते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको पूरी पूजा विधि मतलब यूपी स्टाइल में देखने को मिलने वाली है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस ब्लॉग में। तो आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, वॉच करिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जैसे मेरे यहाँ तो वाइट ये सफ़ेद तिल और गुड़ को कूट के मैंने रख लिया है मिक्स करके, क्योंकि तिलकुट चौथ है तो गुड़ का तो तिल गुड़ जरूर चढ़ाया जाता है, भगवान को भी भोग लगाया जाता है और गणेश भगवान को पान बहुत पसंद है। तो देखिए मैंने लड्डू का भोग उनको पान पे ही रख के लगाया हुआ है। तो आप लोग यूपी में भी मतलब ये तो यूपी स्टाइल है, लेकिन यूपी में भी हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि जैसा मेरे यहाँ होती है वैसा ही सेम टू सेम सबके यहाँ होती है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने जैसे बताया है वैसे ही हम लोग करते हैं।
और बाकी तो यूपी में भी किसी के यहाँ काला तिल चलता है, किसी के यहाँ सफ़ेद तिल चलता है, किसी के यहाँ काले तिल का बकरा बनता है, किसी के यहाँ लड्डू बनता है। तिल मतलब जैसे हम लोग कूट के चढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ लड्डू बना के चढ़ाया जाता है। तो सबके घर में अलग अलग होता है और मेरे घर में ऐसा होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे किस तरह से सकर चौथ मनाई जाती है, या तो आप कहाँ से देख रहे हैं। मतलब ये तो मेरे ब्लॉग जो देखते होंगे उनको तो पता है ना कि मैं यूपी से हूँ और मेरा मायका ससुराल सब यूपी में है। बस हस्बैंड जी यहाँ जॉब करते हैं मुंबई में, तो हम लोग मुंबई में ही रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें जो हमारे यहाँ मतलब होता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, सारा जो व्रत उपवास जो होता है सब करते हैं। और यहाँ पे दीप धूप सब जल गया था, देख सकते हैं। तो दिया तो सबसे पहले ही पूजा में मतलब जलाया जाता है और बहुत अच्छे से मतलब पूजा होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल भी मतलब निर्जल व्रत था, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी मतलब लग नहीं रहा था कि जैसे कि भूख लगी है, भूख लगी। हाँ बस थोड़ा प्यास का एहसास होता है कि प्यास पानी मतलब जैसे लगता है कि प्यास लगी हुई है। और बाकी लेकिन सकट माता का व्रत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता है। और जिसको भी मतलब संतान नहीं है या जिसके पास है वो जो पूजा सुन सकते हैं। हम लोग यहाँ कथा सुनी जाती है, कथा कही जाती है पूरी। फिर उसके बहुत पैसे वाली थी और देवरानी जो थी वो गरीब थी, तो देवरानी जेठानी के घर पे जाके काम करती थी। डेली वो उसे कुछ ना कुछ खाने को देती थी, तो उसका उसी से गुजारा चल रहा था। उस दिन गणेश चौथ का व्रत के एक दिन पहले जब देवरानी जेठानी के यहाँ घर में काम करने गई तो उसने सारा काम किया, लेकिन जेठानी ने गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू निगाह भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो देखिए यहाँ मेरे यहाँ अग्यारी भी की जाती है। तो मैंने ये मतलब नारियल का खोपरा था जो ऊपर की उसकी नारियल के ऊपर जो रहता है वो भाग वो रहता है, तो मैं सुखा के रख लेती हूँ उसी से। कभी ये जैसे लोबान का धुआं घर में करते हैं या तो जो है ये अग्यारी वगैरह कुछ करना रहता है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कंडी वगैरह तो जल्दी मिल नहीं पाती है यहाँ पर। तो वही मैंने जला के रख लिया था, हस्बैंड जी से बोला तो वो ला के दे दिए थे। और ये गुड़ घी और जो तिल रख चढ़ाया था उसी से अग्यारी मैं कर रही हूँ। और ये देखिए लट निकाल के हमारे यहाँ ऐसे मतलब अर्घ दिया जाता है, तो गांव में तो ऊपर छत पे या आंगन में करते हैं। तो जो देखिए मैंने आपको दिया बताया था कि चार बाती जलाई जा के करते हैं ऐसे, तो मैं इधर बाएं साइड से लट निकाल लेते हैं बाल का थोड़ा सा। और काले तिल से ये अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ। और अर्घ देते समय बोलते हैं ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, चार दिएना चार बाती, आज सकट की राती, बाधा छूटे बिछुड़ा मिले, हे गणेश भगवान अरग तोहार आही बात हमार। तो ये मतलब चार बार जो भी इसमें काम किया जाता है, मतलब जैसे कि जो फल चढ़ाए गए, जो जो सामान चढ़ाया गया, सब चार चार की ही संख्या में चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने चार कहानियाँ भी पढ़ी थी और ये चार बार घूम के हम अर्घ देते हैं। तो अभी गांव में तो होता तो आंगन में चंद्र भगवान दिखते रहते हैं तो वहाँ पे ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं पॉसिबल था क्योंकि मैं पूरी पूजा घर पे कर लेती हूँ, अर्घ वगैरह ये सब यहीं पे कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर नीचे जाके चंद्र भगवान को अर्घ डाल के उनका दर्शन करने के बाद फिर पानी पीते हैं। और मुझे मतलब टाइम से हो गया था, यहाँ पे टाइम 9 बजे के बाद का 9:11 का टाइम दे रहे थे, तो मैं मतलब 8:30 बजे पूजा करने बैठी, तो इस टाइम से बैठी थी ऐसा सोच के कि जो है पूजा मेरी मतलब 9:30 तक हो जाए कि चंद्र भगवान अच्छे दर्शन देते हैं और मैं जाके उनको दर्शन कर लूँ पूजा करने के बाद। क्योंकि पूजा करके उठो फिर बैठने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि तुरंत मतलब पूरी पूजा कम्प्लीट नहीं होती बिना चंद्र भगवान को अर्घ दिए हुए। और चंद ये अंश डाल रहे थे पूरी पूजा में मेरे साथ, मतलब अंश लगे हुए थे। मैं बताऊं तो ये व्रत पहले मैं भी नहीं रहती थी, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे कि मेरी सासू माँ करती थी ये व्रत तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं भी यही मतलब सोचती थी कि मुझे भी जब बेटा होगा तो मैं भी व्रत रहूँगी। क्योंकि ये व्रत लड़के के लिए हमारे यहाँ मतलब ससुराल में बेटों के लिए ही रहा जाता है। वैसे बहुत मतलब बहुत सी जगहों पे है कि जिसके भी संतान के लिए रहा जाता है ये व्रत, लेकिन हम लोग के यहाँ विशेष रूप से जिसके लड़का होता है वही रहता है ये व्रत। तो मैं भी मतलब मम्मी करती थी पूजा, तो पूरी पूजा देखती थी उनका, मतलब देखती थी उनके साथ पूजा में रहती थी। पूजा कर नहीं मतलब व्रत नहीं रहते, लेकिन पूजा तो कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं।
और उसके बाद देखिए चंद भगवान निकल आए थे, बहुत मतलब मुझे देर से पता चला क्योंकि मैं हस्बैंड को भी भेजी और भाई भी गया था लेकिन नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं रोड पे इधर निकल के आई, बहुत दूर दिखाई दे रहा था क्योंकि टेरिस से भी नहीं दिख रहा था और गार्डन से भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैं यहाँ आ गई, थोड़ा दूर आके फिर यहाँ से दिखाई दी, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद उनका दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। तो मैंने चंद्रदेव को अर्घ दे दिया, दर्शन कर लिया और बहुत ही अच्छे से उनका दर्शन भी मिल गया। देख सकते हैं कितने अच्छे से चंद्र भगवान दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर नीचे अर्घ देने के बाद मैं ऊपर आई और मैंने पप्पा का आशीर्वाद लिया। और मतलब ये व्रत संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए रहा जाता है। तो भगवान गणपति बप्पा सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे, सबका कल्याण करें और सकट माता सबके ऊपर बच्चों का ध्यान दें। और अभी मैं अपना ले रही हूँ ये गाजर का, जो मैंने बनाया था, प्रसाद भी रखा था, वही मैंने भी ले लिया है। और ये दूध और गंजी है, शकरकंद है और मुझे पसंद भी बहुत है। तो बस चाय छबी ला रही है। तो आप लोग जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।